साथियों सभी को जय हिंद। मैं अंकित पाठक कक्षा 9वीं का छात्र 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गांधी जी जिन्हें बापू के नाम से भी जाना जाता है हमारे देश के सबसे महान नेताओं में से एक थे। बापू ने हमें सिखाया कि सत्य और अहिंसा से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है और उन्होंने हमें एक ऐसा राष्ट्र दिखाया जो केवल प्यार सत्य और सहनशीलता से भरा हुआ था। महात्मा गांधी जी का सपना था कि एक ऐसा समाज बने जहां सबको समान अधिकार और सम्मान मिले। उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक स्थिति उसे कमजोर नहीं बनाती बल्कि हमें हर किसी की ताकत और क्षमता को पहचानने चाहिए। गांधी जी ने हमेशा समानता के अधिकार की बात की। उनका यह मानना था कि हर व्यक्ति चाहे उसकी शारीरिक या मानसिक स्थिति कैसी भी हो उसे समाज में सम्मान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने कमजोर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए संघर्ष किया। आज जब हम समाज में समावेशिता की बात करते हैं तब हमें ये याद रखना चाहिए कि दिव्यांगजनों को भी समान अधिकार और गरिमा के साथ जीवन जीने का पूरा हक है। बापू का यह संदेश हमें ये सिखाता है कि किसी की शारीरिक या मानसिक स्थिति उसकी क्षमता और महत्व को कम नहीं करती। महात्मा गांधी जी ने हमें सिखाया कि सच्चाई और अहिंसा से हम बड़ी से बड़ी चुनौती को भी पार कर सकते हैं। आज मैं विशेष रूप से अपने शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमेशा हमारा हाथ थामकर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हम सब में कुछ ना कुछ खास होता है और हमारे शिक्षक हमें हमारी उस खासियत को पहचानने में मदद करते हैं। चाहे रास्ता कठिन हो अगर हम सच्चाई और मेहनत से काम करें तो हम अपने हर सपने को साकार कर सकते हैं। गांधी जी ने हमेशा कहा कि मेहनत और सच्चाई से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। जब हम अपने सामने कोई कठिनाई पाते हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए। हमें ये मानना चाहिए कि हमारे पास कुछ खास करने की ताकत है। वह ताकत और हमारी मेहनत मिलकर एक दिन रंग जरूर लाएगी। आज गांधी जयंती के इस मौके पर मैं आप सबके सबसे कहना चाहता हूँ कि हम सब एक परिवार हैं। हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, मदद करनी चाहिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए एक साथ कदम बढ़ाने चाहिए। बापूजी ने हमें यही सिखाया कि एकता और प्यार से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आइए इस गांधी जयंती पर हम सब संकल्प लें कि हम अपने जीवन में सच्चाई मेहनत और प्रेम का पालन करेंगे और अपने शिक्षकों की तरह दूसरों की मदद करेंगे। यही गांधी जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।